गाइस वेलकम टू माय वीडियो, मैं राम कुमार, आप सबको एक नए ब्लॉग में स्वागत है। फाइनली हम आए हैं विश्व का सातवां अजूबा में से एक अजूबा ताजमहल, जो कि मेरे ठीक सामने है। एक बार दिखाने की कोशिश करो। और गाइस ये बहुत ही बेहतर है अजूबा है, जो कि आज हम पूरे एक्सप्लोर करने वाला इस ताजमहल का, और कैसे कैसे टिकट पड़ा जाए, कितने का टिकट पड़ा जाए, जो कि कम से कम टिकट प्राइस कहाँ से आप लोग ले सकते हैं, वो भी बताने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो में कंटिन्यू लगे रहिएगा। और कि आगरा का ताजमहल बहुत ही मस्त सुंदर है, देख रहे हो मेरे ठीक सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। और इसका हम कराने वाले हैं आज पूरा एक्सप्लोर। जी हाँ, इसका आज पूरा एक्सप्लोर कराएंगे। इसमें लगभग 20,000 मजदूर वर्क, यानी कि भारतीय मजदूर भी इसमें काम करते हैं। और ये टिका कैसे गाइस बहुत ही मस्त है। और आज इस ब्लॉग में बहुत पूरा खूबसूरत वीडियो आने वाला है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और चलिए हर बार की तरह वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से। तो गाइस इस QR कोड से आप लोग टिकट काट सकते हो, जहाँ से 5 रुपये आपको फ़ायदा होगा इस QR कोड से, क्योंकि मैंने भी यही से काटा है। टिकट काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इधर कंट्रोल उस साइड है तो उधर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ 5 रुपया 50 रुपये लगता है, यहाँ पे 45 रुपये में हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारा भीड़ है, देख रहे हो बहुत सारा ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो चले चलते हैं हम लोग ताजमहल की ओर। गाइस ताजमहल पश्चिमी प्रदेश में देख रहे हो कितनी सारे लोगों की भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, देख रहे हो कितनी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारा यहाँ पे भीड़ आपको नजर आ जाएगा लाइन में, लगभग 1 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा आप लोगों को, देख रहे हो बहुत ज़्यादा भीड़ है। देख रहे हो गाइस किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है, देखिए इसके सामने अभी लोग जा ही रहे, अभी हम लोग एंट्री किए हैं यहाँ से। इधर पार्क है, छोटा सा पार्क है, और इधर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। खूबसूरत भाई ताजमहल लग रहा है भाई, मौसम लग रहा है। और चलिए चलते हैं, आप लोगों को हम दिखाते हैं आगे चलने के बाद। देखिए भीड़ है यहाँ पे, विदेशी लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, दिख रहा होगा जैसे हम लोग आपको दिखाते हैं। और देखिए इधर, देखिए चलते हैं इसके अंदर से होकर ताजमहल की ओर, और वहाँ जाने के बाद भी आपको हम दिखाते हैं पूरा नज़ारा, पूरा दर्श। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारा लोग यहाँ पे मिल जाएगा फ़ोटो क्लिक करते हुए, फ़ोटो पिक करते हुए, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि फ़ोटो खिंचा रहे हैं इसके सामने। गाइस बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा आप लोगों को, देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत, देखो बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और ठीक सामने भी एक खूबसूरत बिल्डिंग जैसी, बाउंड्री जैसी है, देख रहे हो आप लोग। तो यहाँ से मैं दिखाने का एक बार और कोशिश करें, देखिए इधर चार साइड से, दोस्त चारों साइड से रास्ता आपको मिल जाएगा, देख देख रहे हो एक बार, बहुत ही मस्त मज़ा आने वाला है। और इधर से अभी हम लोग आए हैं, इधर से आए हैं, तो चलिए चलते अंदर की ओर, इस गेट से चलेंगे अंदर की ओर और दिखाएंगे आप लोग। हमारे भैया मिले हैं यहाँ पे ताजमहल पे, क्या भैया कहाँ से आप लोग? एटा से। एटा कितना दूर यहाँ से पड़ता है लगभग? यहाँ से 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर एटा से आए हुए हैं भैया, काफ़ी बहुत है, नाइस मीट यू। देख रहे हो भैया से मिल गए, और भैया चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि वीडियो देखेंगे। चलिए और नेक्स्ट जाकर देखते हैं जो कैसा है। क्या नाम है? तो गाइस हम लोग चलते हैं इस गेट के अंदर, देख रहे हो अभी हम लोग इस गेट के अंदर चल रहे हैं, और इस गेट के अंदर जाने के बाद आपको मिल जाएगा ताजमहल। तो चलिए चलते हैं इस गेट के अंदर और देखते हैं हम दोनों साथ में, मतलब हम आप लोग साथ में मिलते हैं ताजमहल से, मतलब देखते हैं, यानी देखते भी है और दिखाते भी है। तो चलिए चलते हैं, तो अभी देख रहे होंगे मेरे पीछे, चलिए चलिए चलिए, इसको वीडियो का स्किप नहीं करूँगा, अभी लगातार मैं चलाऊँगा क्योंकि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या मिलने वाला है सब कुछ आपको देखें। सबसे पहले आपको यहाँ पे लोकेशन दिखा दूँ, लोकेशन नहीं स्ट्रक्चर, देखिए डायग्राम, देख रहे हैं ये डायग्राम बनाया गया है इस ताजमहल का। इस डायग्राम से होते हुए इसके अंदर से चलते हैं, देखिए इसके अंदर से हम लोग चलते हैं, अभी काफ़ी मज़ा आएगा। हाँ देखिए ऊपर में गाइस, बहुत ही ऑसम, देख रहे हैं। और ये रहा आपका सामने ताजमहल, और देखो देखो ताजमहल, देख रहे हो इतनी है, इतनी ऑसम है, देखिए हो। और देखिए यहाँ पे लोगों की फ़ोटो क्लिक करते हैं, देखिए लोग किस तरीके से फ़ोटो क्लिक करते हैं, देख रहे हैं, देखिए ये ताजमहल। और यहाँ पे हम भी हैं इस ताजमहल के पीछे, देख रहे हैं देखिए। और चलिए आगे की ओर चलते हैं, उसके बाद ताजमहल दिखाते हैं। और लोगों की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, देखिए है ना, बहुत ज़्यादा संख्या है लोगों की। और चलिए चलते हैं, गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, देखिए भीड़। और ताजमहल, ये रहा आपका ताजमहल, मेरा आपका, देख रहे हो मेरे पीछे ताजमहल। फाइनली गाइस ऑसम लग रहा है भाई, रियल में देखने में तो अलग ही लग रहा है, ये फ़ोटो रियल में अलग ही लग रहा है। फिर बीचों बीचों ये लगाया गया है पार्क, देख रहे हो। तो हम लोग चलेंगे फिर आगे की ओर इस रास्ते से, और चलने के बाद हम आप लोग को बता।
लोग यहाँ से उतरते हैं देखिए और चलेंगे ठीक आगे की ओर तक, सामने ताजमहल की ओर तक। देखिए यही ताजमहल है गाइस, बहुत मज़ा आएगा। देख रहे हो मेरे पीछे, और पीछे देख रहे हो पीछे कितना बड़ा बिल्डिंग है, देख रहे हो। यही ताजमहल के ठीक सामने आपको ये मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है गाइस, मज़ा आएगा। ये क्या कहता है भाई, भारत ही बोलता है ना, अजूबा सातवां अजूबा भाई, दुनिया का बोल रहे हैं। देखिए भाई, दुनिया का ये सातवां अजूबा इस ताजमहल को कहा जाता है गाइस, है ही कुछ ऐसा ही खूबसूरत। और इधर देखिए थोड़ा बीच में, ठीक बीच में उसके पार्क है, और वो भी खूबसूरत है। इधर का एक बार नज़ारा मैं दिखाऊँ तो देखिए, देखिए ऑइट गाइस, बहुत औसम, बहुत ही औसम है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, और ताजमहल के करीब से दिखाते हैं, क्योंकि ऊपर नहीं जाएंगे, ताजमहल के ऊपर अगर होगा तो जा सकते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू लगे रहिएगा, और गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए गाइस, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो खास होने वाली है, और नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है बहुत ही खास। तो फिलहाल चलिए चलते हैं इस ताजमहल के नज़दीक और दिखाते हैं, और फिलहाल इधर का भी बहुत ज़्यादा है। देखिए देखिए इधर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाइस, इधर देखो देख रहे हैं गाइस, और लोग बहुत सारा लोग हैं यहाँ पे गाइस, लाइन में लग के हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पे, जैसे कि वहाँ जो लाइन था ना बहुत दूर तक लाइन था, उसमें जाने में हमें लगभग आधा से एक घंटा लग गया ना भाई, आधा से एक घंटा लग गया। तो चलिए चलते हैं सामने, और उसके बाद दिखाते हैं इस ताजमहल को। पास में पहुंच गए, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पास में यहाँ पे, देखिए लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, हम लोग भी ऊपर चढ़ेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को। देख रहे हैं बहुत पास में, बहुत ही नज़दीक, मस्त। तो गाइस चलिए चलते हैं ऊपर की ओर, उसके बाद इस रास्ते से ऊपर की ओर चलते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाने का कोशिश करते हैं। गाइस ये नज़ारा देख लो पीछे का, क्योंकि ताजमहल के ठीक सामने का नज़ारा ये है, और ये ठीक सामने इसके ये ताजमहल रहा, देख रहे हैं, और मेरे पीछे वो नज़ारा रहा, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा है देखने में। तो चलते हैं ऊपर की ओर, और भी और दिखाने का कोशिश करते हैं। लोगों यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लोगों की संख्या है, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए इस ताजमहल में। दो विदेश से लोग आते हैं, क्योंकि विदेशी लोग भी यहाँ बहुत ज़्यादा उपलब्ध मौजूद है देखे हैं, और यहाँ पर देखेंगे उनसे भी बात करके कुछ। और चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो ये ताजमहल के सामने ये छोटा छोटा मिल जाएगा ये तालाब, जैसे चारों साइड से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये छोटा छोटा तालाब, देख रहे हो। और ऊपर ऊपर में देखो, ऊपर में भी एक झरना टाइप का ये तालाब बना हुआ है, और सामने ये ताजमहल। तो ये सब देखो, इस समय जो जब पानी लगती है बहुत सुंदर लगती है, देख रहे हो कितने सुंदर लगती है, ये मस्त लगती है। और इधर का लुक तो और भी गजब है गाइस, ताजमहल और ठीक सामने देख रहे हो, ठीक सामने ताजमहल गाइस, बहुत ही औसम। देख रहे होंगे मेरे पीछे आप लोग किस तरीके से बहुत ही मस्त औसम ताजमहल लग रहा है, और उस पर चढ़ते हैं। उस पर चढ़ने के बाद हम बताते हैं, देखिए देखिए सीढ़ी पर चल सकते हैं, और ऊपर से दिखाते हैं आप लोग, देख रहे हैं आप लोग, देखिए मेरे पीछे बहुत ही औसम लगता है गाइस यहाँ से, देखिए बहुत मस्त। ये रहा छोटा सा झरना टाइप का, जिसमें अभी चालू नहीं है, ऑन नहीं है, यहाँ से लोग बहुत सारे फ़ोटो पिक करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में, रूप में नहीं, अलग अलग ले लेना इसके क्या कहते हैं भाई, अलग अलग स्टाइल में कह सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में फ़ोटो पिक करते हैं। देख रहे कितनी मस्त ताजमहल है, लोग तो गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग, और देख मैं थोड़ा पास आ गया हूँ इस ताजमहल, और चलिए दिखाते हैं नीचे की ओर जाने के बाद। चलिए, और एक बात मैं बता दूँ गाइस, यहाँ ताजमहल में लगभग 20,000 वर्कर लोग लगे थे, समझ रहे हो, 20,000 वर्कर, यानी कि हमारे भारत के जो थे पहले के व्यक्ति लोग, वो 20,000 लोग से मिलकर बनाया जाता था इस ताजमहल को। और चलिए चलते हैं आगे, और भी दिखाते हैं, कोशिश करते हैं दिखाने का, देख रहे हो साइड का देखो किस कैसे, चलिए चलते हैं आगे की ओर। सामने आ गए, देख रहे ताजमहल के ठीक सामने यहाँ पे हम लोग आ गए, इधर लोग फोटो खिंचा रहे हैं। ओहो तो हम लोग चलते हैं इधर की ओर, चलिए चलते आगे की ओर, उसके बाद दिखाते हैं। हम लोग जा रहे हैं पास में ताजमहल के, बहुत ही करीब आ चुके हैं, देख रहे हैं बहुत करीब ताजमहल के पास आ चुके हैं यहाँ पे। और इधर पीछे देखो, बहुत ही मस्त भाई, हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है कि गाइस ये 20,000 वर्कर लोग द्वारा बनाया गया था, यहाँ के 20,000 भारतीय लोग द्वारा ये बनाया गया था, इंडियन लोगों के द्वारा, जो कि गरीब मजदूर थे उसके द्वारा बनाया गया था, मारपीट के साथ बनाया गया होगा पहले के ज़माने में, क्योंकि हम तो नहीं थे, हाथ भी कटवा दिया था। और बच गया, क्योंकि ये जो बनाने वाले को जो है ना वो हाथ काट दिया गया, मतलब बाजू काट दिया गया था,
देखिएगा ताकि दोबारा ये अजूबा चीज़ ना बने, समझ रहा है, यादों में नहीं तो कोई इसे देखने आता नहीं आता भाई। तो चलिए चलते हैं ठीक सामने और आगे की ओर, तब दिखाते उसको छू के दिखाते हैं। चलिए चलते आगे। तो कैसे हमने बहुत करीब आ चुका हूँ, ये देख रहे हो कि हम लोग अभी ताजमहल के बहुत करीब आ चुका हूँ और देखते हैं ऊपर जाने वाला है। हाँ जा सकते हैं ऊपर भाई, उसको हम छू के बताते। अरे भाई बोतल वहीं रह गया भाई पानी का। चलिए ऊपर चलने के बाद आपको हम बताते हैं। देखिए ताजमहल के ठीक सामने से देखने से देखिए ये है, देख रहे हैं कितना गजब लग रहा है। इसके ठीक सामने बहुत करीब यहाँ पे ताजमहल है ना, और उसके सामने से देखने में बहुत ही मस्त यहाँ पे आपको पीछे लग रहा होगा। तो आगे की ओर चलते हैं और दिखाते हैं। गाइस बहुत ही ऑसम लग रहा है गाइस, हम लोग किताबों में पढ़े थे, आज हम देख लिए हैं रियल में। चलिए चलते हैं ऊपर की ओर, देखते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे इधर से दूसरे रास्ते दूसरे साइड से आ चुके हैं, देख लो दूसरे साइड से, और इधर से नज़ारा दिखाने, क्योंकि ये ताजमहल का अगर चारों साइड से देखोगे तो एक ही नज़ारा दिखेगा, मतलब एक ही तरह से दिखेगा, देखा है ना। इसका यही एक अजूबा मस्त लगता है भाई, इधर से भी दिखोगे एक ही रंग दिखेगा। तो देखो हम दूसरे साइड आए हुए हैं, ये पहले थे उस साइड का और इधर अभी हम इस साइड में हैं। तो और इसके सामने ये है, देखियो भाई कितना भयानक है, देख रहे हो ऊँचा, देखो ऊँचा कितना भयानक है ये बनाया हुआ अजूबा है भाई, विश्व का सबसे सातवां अजूबा है भाई, देख रहे हो। चलिए और देखते आगे कुछ मिलता है तो आप लोग हम दिखाते। ओ भाई ये वो एक तो दिखना तो बच ही गया, क्योंकि उसके बगल में ठीक सरयू, अरे कौन सा नदी है भाई, ओ भाई इसके बगल में कौन सा नदी है, सरयू यमुना, सॉरी इसके बगल में यमुना नदी है। चलिए यमुना नदी आपको दिखाते हैं इस ताजमहल के बगल में, बहुत ही मस्त। हाँ गाइस तो हम लोग इधर से चलते हैं और ऐसे करके ऐसे जाते हैं, तो वहाँ पे जाके आप लोग को हम बताते हैं। ये बिल्डिंग देख रहे हो, बिल्डिंग कर रहे हैं गाइस, सॉरी ये देख रहे हो कितनी भयानक है ये है किला। और इधर हम लोग जाएंगे अभी इसे छूने के लिए, देख रहे हो ताजमहल, इसे जा रहे हैं हम लोग अभी छूने के लिए जाएंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे छू के, देखा आप लोग भी देख लेना भाई छू के, हम जाएंगे सामने से आप लोग को दिखाएंगे। और ये देखे सामने का गेट बहुत ही बेहतरीन, और ठीक इसके सामने भी आपको बहुत ही बेहतरीन ताजमहल दिखेगा ये, है ना। और इधर बगल में है यमुना नदी, चलिए यमुना नदी से भी दर्शन कराएंगे आप लोग को और इसको भी छू के बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू लग रही है, चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ यमुना नदी के ठीक सामने, देख रहे हैं यही है यमुना नदी, जो कि काफ़ी मस्त लुक है, देख रहे हैं बहुत ही मस्त है गाइस। और मेरे पीछे रहा ये ताजमहल, चलिए और दिखाते हैं। और ये यमुना नदी का काफ़ी पानी है भाई, यमुना नदी में भरे हुआ है। ये ताजमहल का ठीक बगल में भाई भी बता दो यमुना नदी का कितना है, 1376। अरे भाई यमुना नदी का लंबाई बताने हम थोड़ी आए हैं, हम तो ताजमहल दिखाने आए क्या भाई, वैसे बता देते हैं 1376 बोल रहा है, मुझे नहीं पता गंगा नदी की 121 है ना, गंगा का 121 है कि 2525 है, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी का लंबाई। और इसका देखिए 23 से क्या इतना बोला, कितना बोला भाई 1376 और 1376 है। और इधर का किला देखो कितना मस्त, देखो बहुत ही मस्त ये, और इस ठीक सामने इसके हैं। चलिए इसके सामने में जाते हैं और उसको टच करके आप लोगों को बताते हैं, चलिए टच कर दोगे, टच। आगे की ओर बढ़ते हैं और इस ताजमहल को सामने से छू के देखते हैं और आपको लोग को भी टच कराएंगे भाई, कैसे भाई स्किन पे कर लोगे टच हो जाएगा। और चलिए हम लोग चलते हैं उसको टच करके देखते हैं ताजमहल को, यानी कि छू के देखते हैं, क्योंकि आए हैं तो भाई छू छा को तो जाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि घूमना का मज़ा तो वही है भाई, कहीं जाएंगे तो भाई कहेगा कोई अरे वहाँ देखा है, हाँ देखे तो है भाई टच किया है नहीं, अरे आज करेंगे चलो हम लोग मिल के करते हैं टच। और यहाँ पे देखो देखो कितना यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और यमुना नदी तो आपको हम बता ही दिए थे, ये इसके ठीक बगल में है। और चलिए इसके सामने छूते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, चलिए। ये क्या है, कृपया यहाँ पैसे ना डालें, ये देखो लिखा हुआ है कृपया यहाँ पर। और भाई ये तो गुफा है गाइस, अंडरग्राउंड अंदर जाने का शायद होगा, प्राइवेट रास्ता जिसको कहते हैं, गुफा के साइड अंदर में जो है ना सीढ़ियाँ था उसमें, और वो जाने वाला है। तो अभी हम लोग ठीक सामने पहुँच चुके हैं और आप लोगों के सामने अभी करेंगे टच इस, देखो देख रहे हो, देखो मैंने छू लिया और आप भी छू सकते हो भाई, देखो छू के देख सकते हो, यही है ताजमहल, देखो भाई वाह बहुत ऊंचाई गाइस। और इधर देखो, इधर मैंने छू लिया है भाई, देखा मैंने छू के बता दिया आप लोगों को, आप कैसा महसूस हो रहा है। तो चलिए और आगे चलते हैं और क्या क्या मिलता है वो भी आपको हम दिखाते हैं, ठीक यमुना नदी के बगल में ये आप लोग को दिख जाएगा ताजमहल। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस वीडियो का लाइक तो मत करना तो मत ही भूलिएगा,
क्या भाई तू भी झूला, देख लो भाई खोखले तो नहीं है इसे। अरे ये देख रहा है भाई खोखला तो नहीं है, नहीं खोखला नहीं होगा। खुफिया दरवाजा है वहाँ पे, वहाँ तो नहीं देखा वो जो लिखा हुआ। कर सकते हैं कि यहाँ पे हाथ रखोगे तो ये खुल जाएगा? अरे ऐसा नहीं है, चलो वो डीट में, डीट में तो कुछ भी है, ऐसे कर सकते हो भाई। खाली दरवाजा का पीएनजी लाना है इसको। चलिए और भी दिखाते हैं आगे चल के। और यहाँ से वो लाल किला दिखता है, वो देख रहे हो, वो लाल किला पर भी वीडियो मैंने बना रखा है, वहाँ पे जाके यूट्यूब पे जाके, मेरे यूट्यूब पे जाके वहाँ पे देख सकते हो। देखिए ये लाल किला वहाँ पे फ्रेश नहीं दिखेगा बट बता दिया है, इससे दिखता है। और लाल किला से भी ताजमहल दिखता है और इससे लाल किला दिखता है, बहुत ही मस्त है। और देखो ये नदी मस्त है। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। तो क्या जी ये ताजमहल देख रहे हो मेरे पीछे, ये बना हुआ है संगमरमर का, आप लोग देख रहे होंगे ये संगमरमर का बना हुआ है, जो कि काफ़ी मस्त है, स्मूथली है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे और आगे देख रहे हैं, काफ़ी स्मूथली है ये। आप लोग मज़ा आएगा अगर आप लोग यहाँ आके घूमोगे तो। अरे भाई मेरा दोस्त है खाली फ़ोटो ही खिंचा रहा है, देख रहा है, चलो लेट कर रहा है भाई। और ये बगल में जो यमुना नदी है उसमें एक भी कचरा नहीं आपको नज़र आएगा, देखो ये यमुना नदी में एक भी कचरा नहीं, कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। और ये मज़ा आ जाएगा। चलिए और भी देखते हैं, अगर कुछ भी मिलता है तो आप लोग को हम एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा भाई। ये है ताजमहल का चौथा साइड, यानी कि हम घूम चुके हैं, या पीछे का बगल का साइड है। जैसे उस तरफ से हम लोग आए थे, वो देख रहे हो वो लाल वाले, उस तरफ से आए थे और उधर से ऐसे आए, इधर से फिर वापस आए, मतलब चारों साइड घूम गए। तो आज हो रहा है, अभी बारिश हो रहा है छोटा छोटा, मतलब अभी हल्की हल्की हो रही है बारिश। सभी लोग यहाँ से अभी गए हुए छुपने के लिए, वहाँ पर बारिश हो रहा है। और इधर देखो जैसे कि इस ताजमहल हर तरफ से भी ऐसा ही नज़र आता है, सेम चीज़ आता है नज़र। गाय जिसका बनावटी तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मस्त, ठीक है। और भी मिलते हैं, क्या क्या मिलता है अभी मिलते हैं वीडियो में। चलिए लगे रहिए वीडियो में।